एप्लीकेशंस के स्टैटिस्टिकल मेथड्स के प्रति जागरूक होकर तथा प्रक्रिया का पूर्वानुमान लगाकर समझदारी से निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से 2 दिवसीय बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स फेज 1 ऑफ डेटा साइंटिस्ट स्कीम प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन एचआरडी द्वारा गत 14 से 16 दिसंबर 2019 को कॉन्फ्रेंस में किया गया। गत 14 दिसंबर को कार्यक्रम का उद्घाटन सीजीएम इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन श्री संजीव कुमार ने किया। इस अवसर पर जीएम इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन श्री एसआर दास, जीएम इंचार्ज एचआरडी श्री सत्यजीत जेना तथा जीएम ईटीएल एंड ईआरएस श्री भगवान स्वरूप उपस्थित थे। इस प्रशिक्षण में डिप्टी मैनेजर बार मिल इलेक्ट्रिकल श्री उज्जवल गौरव तथा डिप्टी मैनेजर C&A श्री रितेश कुमार फैकल्टी के रूप में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में वर्क्स, MM, प्रोजेक्ट्स और P&A विभाग के 19 अधिकारियों ने हिस्सा लिया था। गत 16 दिसंबर को आयोजित वैलिडेटरी सेशन में सीजीएम ऑटोमेशन श्री संजीव कुमार, सीजीएम इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन श्री एसआर दास, जीएम इंचार्ज एचआरडी श्री सत्यजीत जेना उपस्थित थे। इस दौरान प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुभव को साझा किया। गत 11 से 16 नवंबर को एचआरडी सेंटर में सेल ISP के अधिकारियों के लिए PCS 7 एडवांस नामक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न विभागों जैसे कोक ओवन, ब्लास्ट फर्नेस, मिल, ETL तथा इंस्ट्रूमेंटेशन से 12 अधिकारियों ने हिस्सा लिया था। वहीं 16 नवंबर को फीडबैक सेशन के दौरान सीजीएम इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन श्री संजीव कुमार तथा जीएम इंचार्ज एचआरडी श्री सत्यजीत जेना ने प्रतिभागियों से बातचीत कर प्रशिक्षण में सीखे हुए पहलुओं को जाना। पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर ब्लोइंग स्टेशन के कर्मियों को FDA सिस्टम, फायर डिटेक्शन अलार्म सिस्टम के साथ FNG कंट्रोल्स की जानकारी देने के लिए गत 12 से 13 नवंबर 2019 को एचआरडी सेंटर में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें कुल 15 कर्मियों ने हिस्सा लिया था। इस प्रशिक्षण में कर्मियों को क्लासरूम के साथ ऑन साइट ट्रेनिंग भी दी गई। इस प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षण प्राप्त कर्मी FDA सिस्टम, फायर डिटेक्शन अलार्म सिस्टम के साथ FNG कंट्रोल्स में निपुण हो जाएंगे।